हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर इस वक्त की, आप ये जानिए कि सचिन पायलट समर्थक विधायकों ने जो राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उस मामले में सुनवाई टल गई क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से खुद ही कोर्ट से और वक्त मांग लिया गया। बागी विधायकों ने ही याचिका में सुधार के लिए वक्त मांगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का कानून है। क्या है कानून कि कैसे कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? अच्छा, उसका कायदा दिया हुआ। वो कहते हैं ये शुरू ली गई भाई ना संविधान के प्रावधान के बिल्कुल ईमानदारी से। ईमान आप मुझे पूरा बता दिया है, उन्होंने समय मांगा है। लगता है कि वो बिना तैयारी के उन्होंने पिटीशन दायर की और वो पिटीशन अमेंडमेंट करने का समय चाह रहे हैं। वो नई कोई पिटीशन लेके आएंगे और उनके इच्छा वो डीबी में लेकर आए, टेक्निकल अपने कारण हो सकते हैं और कोर्ट ने ये कहा ठीक है आगे जो सीजे हैं सीजे विचार करके। महेश जी, आपने जो याचिका दायर की है क्या वो संविधान के तहत है? अगर संविधान के तहत नहीं होती तो आज ही वो हमको चैलेंज कर देते ना। पूरे संविधान के तहत की है, किसी भी तरीके से असंवैधानिक पूरे हमने उसके अंदर पूरा स्टडी करी है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करी है, रूल्स का स्टडी करी है, उसके तहत। कल तक अगर जवाब नहीं देते हैं तो वो तो हमें क्या चिंता है, फैसला स्पीकर साहब को करना है। फैसला स्पीकर साहब ने नोटिस दिया है, आज ये देखो ना, हमको मेरे को तो पार्टी नहीं बनाया उन्होंने, मैं पिटिशनर हूँ, मेरे को पार्टी नहीं बनाया। तो ये कोई टेक्निकल चीज में वो इसको उलझाना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो सामने आएगा उसके बाद देखेंगे। तो देखिए, कानूनी दावपेच पे कहीं ना कहीं मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। बागी विधायकों ने याचिका में सुधार के लिए और वक्त मांगा है। फिलहाल सुनवाई टल गई है इस मामले में क्योंकि खुद जो बागी विधायक जिनकी तरफ से याचिका दी गई थी वही याचिका में और सुधार का वक्त मांग रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद है। मनीष, क्या मतलब निकाला जाए इसका? जी रोमाना, इस वक्त मेरे साथ सिद्धार्थ बाफना है जिन्होंने इस पूरे मामले में पैरवी की है महेश जोशी की तरफ से। सिद्धार्थ, क्या मायने हैं इस तरीके के सुधार की जो बात की गई है? जो ये अमेंडमेंट सी कर रहे हैं पिटीशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करना चाह रहे हैं शेड्यूल 10 में पैरा 2 के सब क्लॉज 1A का, जिसके तहत मुख्य सचेतक ने माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने जो याचिका लगाई है डिस्क्वालिफिकेशन की, उस क्लॉज का ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करने के लिए इन्होंने अपनी याचिका में अमेंडमेंट सीक किया है, जिसके लिए एप्लीकेशन मूव करेंगे। अभी तो वो भी करी नहीं है, तो अब करेंगे उस एप्लीकेशन के ऊपर अगली बार लिस्ट होएगा, फिर उस एप्लीकेशन को अगर कोर्ट अलाउ करेगी तो अमेंड होके फिर लगेगा कोर्ट में। तो अभी कुछ पता नहीं है कि कब वापस लिस्ट। ये मांग किसने की थी पिटिशनर की तरफ से, एडवोकेट कौन थे? हरीश सालवे जी ने शायद ये मांग करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रहा था मामला, तो शायद। चलिए मनीष, बड़ी जानकारी आपने दी है इन वकीलों से बात करके, मामला समझाया आपने दर्शकों को।